हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज मैं मैथ इस टॉपिक की बेसिक थ्योरी सब टॉपिक के ऊपर थर्ड क्विज लाया हूँ। ये इस टॉपिक के ऊपर बेसिक थ्योरी सब टॉपिक के ऊपर थर्ड क्विज है। टू क्विज ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स हाइस्ट हॉनर फॉर मैथ विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज नोबल प्राइज फॉर मैथ कन्फर्ड एवरी फोर ईयर बाय द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज द वर्ल्ड्स हाइस्ट हॉनर ऑफ मैथ, नीचे दिए में से कौन सा हाइस्ट हॉनर होता है पूरे वर्ल्ड में मैथ के लिए, विच इज डिस्क्राइब्ड एज नोबल प्राइज फॉर मैथ, और वो मैथ के लिए नोबल प्राइज एज ए नोबल प्राइज वो डिस्क्राइब किया जाता है, जो एवरी फोर ईयर यानी कि हर चार साल के बाद इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर वन मार्क्स मेडल, ऑप्शन नंबर टू फील्ड्स मेडल, ऑप्शन नंबर थर्ड आईक्यू मेडल, ऑप्शन नंबर फोर्थ जीनियस मेडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास है 10 सेकेंड। आप पूरे 10 सेकेंड सोचिए, गेस कीजिए, अपना एक आंसर मन में रखिए और फिर ट्राई कीजिए कि आपका तुक्का भी लगता है कि नहीं, अगर आपको आता ना हो तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर फॉर मैथ्स विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज नोबल प्राइज फॉर मैथ्स कन्फर्ड एवरी फोर्थ ईयर बाय इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, अ कॉमिक सेक्शन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन विथ ए कोन इज कॉल्ड। जो कॉमिक सेक्शन फॉर्म होता है इंटरसेक्शन के, किसके, तो प्लेन और कोन के, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर वन एलिप्स, ऑप्शन नंबर टू सर्कल, ऑप्शन नंबर थ्री पैराबोला, ऑप्शन नंबर फोर्थ हिलिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पैराबोला। अ कॉमिक सेक्शन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन विद ए कोन इज कॉल्ड पैराबोला। जो कॉमिक सेक्शन फॉर्म होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन और कोन के, उसे पैराबोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर वन पिक्टोग्राम, ऑप्शन नंबर टू हिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑक्टोग्राम एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज पेंटाग्राम। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ऑक्टोग्राम या पेंटाग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अमॉन्ग दिस। नीचे दिए गए में से कौन सा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ऑप्शन नंबर वन नेपियर्स बोन, ऑप्शन नंबर टू पास्कल्स अरिथमेटिक मशीन, थर्ड एबाकस, फोर्थ लीबनिट्ज़ कैलकुलेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड एबाकस। एबाकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस, नेपियर्स बोन्स, पास्कल्स अरिथमेटिक मशीन और लीबनिट्ज कैलकुलेटर से सबसे पहले आया कैलकुलेटिंग डिवाइस एबाकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज ए प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स टू ऑफ विच आर पैरेलल। नीचे दिए गए में से कौन सी प्लेन फिगर है जिसके पास चार साइड्स होती हैं और उसमें से दो पैरेलल होते हैं। व्हाट इज ए प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स टू ऑफ विच आर पैरेलल। कौन सी प्लेन फिगर होती है जिसके चार साइड्स होते हैं और उसमें से दो पैरेलल्स होते हैं एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर वन रोम्बॉइड, ऑप्शन नंबर टू रेक्टेंगल,
ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रेपेजियम, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज टेंजेंट. सो व्हाट इज ए प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स, टू ऑफ विच आर पैरेलल. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम इज ए प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स, टू ऑफ विच आर पैरेलल. ट्रेपेजियम इज ए पब्लिक प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स, इट हैव फोर साइड्स एंड टू ऑफ देम आर पैरेलल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ इज एन इलिप्टिकल स्फीयरॉइड ओवल कॉल्ड. नीचे देखो में से किसे इलिप्टिकल स्फीयरॉइड और ओवल कहा जाता है. इलिप्स सेकंड, इलिप्सॉइड थर्ड, इलिप्टिक फोर्थ, ऑल ऑफ दिस. सभी को इलिप्टिकल स्फीयरॉइड ओवल कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू इलिप्सॉइड. इलिप्सॉइड इज एन इलिप्टिकल स्फीयरॉइड ओवल कॉल्ड इलिप्सॉइड. एन इलिप्टिकल स्फीयरॉइड कॉल्ड इलिप्सॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज फॉर्म व्हेन अ स्फीयर इज बाइसेक्टेड हाफ बाय प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर. व्हाट इज फॉर्म व्हेन अ स्फीयर इज बाइसेक्टेड हाफ बाय प्लेन दैट पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर. नीचे दिग में से कौन सा वो क्या तैयार होता है जब स्पीयर जब बाइसेक्ट होता है हाफ ऑफ द प्लेन, आधे से एक प्लेन से, दैट पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर, जो सेंटर से स्पीयर के सेंटर से पास होता है. तो उसके ऑप्शन है हेक्सोस्फीयर, ऑप्शन नंबर टू हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर थर्ड हेलियोस्फीयर एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज हेट्रोस्फीयर. तो इन चारों में से उसे कौन सा वो फॉर्म होता है जब स्पीयर बाइसेक्ट होता है उसके प्लेन के हाफ से और सेंटर ऑफ स्पीयर से वो जाता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर इज फॉर्म व्हेन अ स्पीयर इज बाइसेक्टेड हाफ बाय प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्पीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द नेम गिवन टू द नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ वन फॉलोड बाय गूगल ऑफ जीरो. 10^10 टू द पावर 100. नीचे दिए गए में से कौन सा नेम गिवन होता है टू द नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ वन, जो वन फॉलोड करता है बाय द गूगल ऑफ जीरो. कितने जीरो से 10^10 टू द पावर 100. ऑप्शन नंबर वन गूगल पिक्स, ऑप्शन नंबर टू गूगल मैक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड गूगल प्लेक्स एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गूगलो प्लेक्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गूगल प्लेक्स. गूगल प्लेक्स इज द नेम गिवन टू द नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ वन फॉलोड बाय गूगल ऑफ जीरो 10^10 टू द पावर 100. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच डिजिट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 54. नीचे दिए में से कौन सा डिजिट वो फैक्टर नहीं है 54 का. ऑप्शन नंबर वन टू, ऑप्शन नंबर टू फोर, ऑप्शन नंबर थर्ड सिक्स एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज नाइन. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू फोर. फोर इज ए डिजिट विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ ए 54, वाइल टू सिक्स एंड नाइन ऑल ऑफ दिस थ्री आर द फैक्टर ऑफ 54. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, नेम द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइंस एट वन प्लेस. नीचे देखो में से कौन सा टर्म
हम देते हैं मीटिंग पॉइंट को, जो ऑल ऑफ लाइन्स एट वन प्लेस, जो सभी लाइन्स जो होते हैं वो एक पॉइंट पे आकर मीट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? करंट, ऑप्शन नंबर टू कॉन्करंट, ऑप्शन नंबर थर्ड कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन नंबर फोर्थ कॉन्फ्रंट। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू कॉन्करंट। कॉन्करंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइन्स एट वन प्लेस, और इट इज़ द नेम कॉन्करंट विच इज़ गिवन टू द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइन्स एट वन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ डिजिट और नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली अनदर नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स। एक डिजिट और नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है अनदर नंबर और एक्सप्रेशन को इज कॉल्ड इट्स। ऑप्शन नंबर वन फैक्टर, ऑप्शन नंबर टू प्रॉक्टर, ऑप्शन नंबर थ्री नेक्टर एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज वेक्टर। तीन चारों में से कौन किसको डिजिट और नंबर, उस डिजिट और नंबर को कहा जाता है दैट एग्जैक्टली डिवाइड अनदर नंबर और एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर वन फैक्टर, और डिजिट और नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली अनदर नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ लॉजिकल फाइंडिंग्स दैट लीड टू ए कॉन्क्लूजन कॉल्ड। नीचे देखो में से किस टर्म को एज ए यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए अ सीरीज ऑफ लॉजिकल फाइंडिंग्स दैट लीड टू ए कॉन्क्लूजन। ऑप्शन नंबर वन एविडेंस, ऑप्शन नंबर टू प्रूफ, ऑप्शन नंबर थ्री इक्वेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज वैलिडिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ लॉजिकल फाइंडिंग्स दैट लीड टू ए कॉन्क्लूजन कॉल्ड इक्वेशन। और द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ लॉजिकल फाइंडिंग्स दैट लीड टू ए कॉन्क्लूजन कॉल्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ए ब्रांच ऑफ जियोमेट्री कॉन्सर्न विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड स्पेस कॉल्ड। नीचे देखो में से कौन सी ब्रांच है ज्योमेट्री की जो कॉन्सर्न होते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप एंड स्पेस से। तो इसका ऑप्शन है टोपोग्राफी, ऑप्शन नंबर टू टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर थ्री टोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर फोर टोमोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर टू टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री कॉन्सर्न विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड स्पेस, और द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री कॉन्सर्न विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ शेप एंड स्पेस कॉल्ड टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच सिम्बल्स यूजुअली लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। नीचे देखो में से कौन सी ब्रांच होती है मैथ की जहाँ पे सिंबल्स को यूजुअली लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट को एक रिप्रेजेंट किया जाता है अननोन नंबर से। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन अलगोल, ऑप्शन नंबर टू अलजेब्रा, ऑप्शन नंबर थर्ड अलगेसिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ अलगोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर टू अलजेब्रा। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच अलजेब्रा है ये ब्रांच होती है मैथ की इन विच सिंबल्स यूजुअली लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। जहाँ पे सिंबल्स और यूजुअली लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट को यूज किया जाता है अननोन नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ए ट्रायंगल विद टू साइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड टू एंगल्स ऑफ इक्वल साइड कॉल्ड एज। यानी कि किस ट्रायंगल को जिसके दो साइड सेम लेंथ के होते हैं और दो एंगल सेम इक्वल साइज के होते हैं।
टू एंगल्स ऑफ इक्वल साइज, यानी कि इक्वल उनका एंगल होता है दो साइड का, दो एंगल्स का, उनके जो ट्रायंगल के दो एंगल का इक्वल डिग्री होती है उनके पास, और जो दो साइड्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। ऑप्शन नंबर वन स्केलिन एंगल, ऑप्शन नंबर टू इक्विलैटरल एंगल, ऑप्शन नंबर थर्ड आइसोस्केलस, ऑप्शन नंबर फोर्थ बायलैटरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए फाइंड करने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल विथ टू साइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड टू एंगल्स ऑफ इक्वल साइज, और अ ट्रायंगल विथ टू साइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड टू एंगल्स ऑफ इक्वल साइज कॉल्ड एज आइसोस्केलस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पार्ट ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बिटवीन द टू रेडाई एंड द सर्कमफेरेंस नोन एज। नीचे दिए में से कौन सा पार्ट ऑफ सर्कल फॉर्म, जो पार्ट ऑफ सर्कल फॉर्म होता है बिटवीन द टू रेडाई एंड द सर्कमफेरेंस नोन एज। ऑप्शन नंबर वन वेक्टर, ऑप्शन नंबर टू सेक्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड रेक्टर एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज हेक्टर। सर्कल के कौन से पार्ट में एक नीचे दिए में से वो पार्ट फॉर्म होता है जब दो रेडाई और द सर्कमफेरेंस नोन एज वो इस दोनों के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर वन वेक्टर, टू सेक्टर, थर्ड रेक्टर एंड फोर्थ इज हेक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर टू सेक्टर। सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल फॉर्म बिटवीन द टू रेडाई एंड द सर्कमफेरेंस, इट इज नोन एज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ए फ्लैट सरफेस आइदर रियल और इमेजिनरी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस कॉल्ड। नीचे देखे में से किसे फ्लैट सरफेस कहा जाता है आइदर रियल और इमेजिनरी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस कॉल्ड। थ्री डायमेंशनल स्पेस में नीचे दिए में से किसे रियल और इमेजिनरी फ्लैट सरफेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वन प्लॉट, ऑप्शन नंबर टू प्लेन, ऑप्शन नंबर थ्री पोल, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू प्लेन। प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस आइदर रियल और इमेजिनरी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों भी हो सकता है इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। और अ फ्लैट सरफेस आइदर रियल और इमेजिनरी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस कॉल्ड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नोन एज। जो रीजन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर वन फैबुलस, ऑप्शन नंबर टू एनुलस, ऑप्शन नंबर थर्ड कुमुलस, ऑप्शन नंबर फोर्थ बैसिलस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर टू एनुलस। एनुलस इज द रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और द रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नोन एज एनुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द इनवर्स ऑफ ए साइन फंक्शन। नीचे देखो में से कौन सी टर्म यूज की जाते हैं साइन फंक्शन के इनवर्स के लिए। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ। नीचे दिए गए में से किस टर्म को यूज़ किया जाता है इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर वन ओ पी पी साइन, ऑप्शन नंबर टू आर ई वी साइन रिवर्स साइन, थर्ड ए आर सी साइन, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज पोस साइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आर्क साइन।
आर्क साइन इज द टर्म यूज फॉर द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन, और द टर्म यूज फॉर द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन इज आर्क साइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ ए सरफेस और बॉडी कॉल्ड एज. नीचे दिए में से किसे ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए सरफेस और बॉडी कहा जाता है. ऑप्शन नंबर 1 मीडियन, ऑप्शन नंबर 2 मिड पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रॉइड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूक्लॉइड. मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ. व्हाट इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ ए सरफेस और बॉडी कॉल्ड एज. ऑप्शन नंबर 1 मीडियन, ऑप्शन नंबर 2 मिड पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 इज सेंट्रॉइड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूक्लॉइड. इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए सरफेस और बॉडी, और द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए सरफेस और बॉडी कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड को ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए सरफेस और बॉडी कहा जाता है. तो इसी तरह से आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए मैथ इस टॉपिक के सब टॉपिक बेसिक थ्योरी इसके. तो ये थर्ड क्विज आज कंप्लीट हुई. अगर ये वीडियो से आपको वैल्यू मिलते हैं या फिर आपको कोई हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और इसी तरह से हमें मोटिवेटेड रखिए और ख़ुद को भी मोटिवेटेड रखिए. ज़्यादातर स्टडी में कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, स्टडी कंसिस्टेंसी से कीजिए. कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज द की ऑफ सक्सेस. तो सबसे पहले आपका ध्यान रखिए और बाकी की स्टडी हमेशा कंसिस्टेंट कीजिए. तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ. धन्यवाद.